साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिसमें कि पशु बच्चा देने के तुरंत बाद या बच्चा देने से पहले इतना अंदर ही अंदर से कमज़ोर हो जाता है कि उसकी जान पर बनाती है और हमें कई बार पता ही नहीं चलता। ये बीमारी है कीटोसिस, जिसे हम एसिटोनीमिया भी बोलते हैं। कीटोसिस क्या होती है, इसी के बारे में आज का हमारा ये वीडियो है ताकि आप सभी समझ सकें कि कीटोसिस आखिर किस बला का नाम है। देखिए, मेनली ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है। मेटाबॉलिक का मतलब होता है पाचन तंत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जो भी हम पशु को खिला रहे हैं उसका पाचन किस हिसाब से हो रहा है, कितना हो रहा है, सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके हिसाब की ये बीमारी है। और मेनली ये बीमारी होती क्यों है, मेनली होती है ये कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से। यानी पाचन किसका नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट का सही तरीके से पाचन नहीं हुआ। होती कब है ये, बच्चा देने के या तो जस्ट बाद हो जाएगी, कुछ दिन में, या फिर कुछ सप्ताह में हो जाएगी। तो कई बार रेयर केसेस में बच्चा देने से पहले भी ये बीमारी हो जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है, वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन अगर प्रॉपर नहीं होगा, इस वजह से सारी गड़बड़ी होती है। या तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन सही नहीं हुआ, या फिर जो हमने आहार पशु को दिया उसमें कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है शर्करा, शर्करा प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंची। या तो पाचन नहीं हुआ, हमने दिया लेकिन पाचन नहीं हुआ, या फिर हमने देने में गलती कर दी। दोनों ही कंडीशन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जब कम हो जाएगी तो उस कंडीशन में वसा का ऑक्सीडेशन होगा, और वसा का जब ऑक्सीडेशन होगा, वोलेटाइल जो फैटी एसिड्स होते हैं उनका, तो उस समय कीटोन, कीटोन बॉडीज बनेगी। और वही कीटोन बॉडीज जिन्हें एसीटोन भी कहते हैं, एसीटोन। तो एसीटोन के नाम पर एसीटोनिया नीमिया पड़ा और कीटोन बॉडीज के नाम पर इस बीमारी का नाम कीटोसिस पड़ा। यानी खून में कीटोन बॉडीज बन जाती है, और जब खून में कीटोन बॉडीज बन जाती है तभी हल्की मीठी सिरके जैसी सुगंध जो है वो मुंह में से आएगी, पेशाब में से आएगी, इसके अलावा दूध में से भी ऐसी सुगंध आ जाएगी। जो जानकार हैं वो पहचान लेते हैं, अदरवाइज धोखे में रह जाते हैं। और कई पशु चिकित्सक भी ऐसे हैं जहाँ पर मान लीजिए ट्रेंड फुल ट्रेंड नहीं है, उन्हें इजीली पता नहीं चल पाता कि इसको कीटोसिस हुआ है क्या, और जब तक पता चलता है तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। खून में ग्लूकोज की कमी, अब जब शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट की कमी हुई है, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट अंदर जाकर के किस में परिवर्तित होगा, ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी एक ही चीज़ें हैं। तो जब ग्लूकोज की कमी हो जाएगी तो हाइपोग्लाइसीमिया जिसे हम बोलते हैं वो प्रॉब्लम हो जाएगी, और ग्लूकोज की कमी की वजह से ही सबसे बड़ी परेशानी इस बीमारी में होती है। इसके बाद देखिए, संतुलित आहार ना मिलना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कार्बोहाइड्रेट की कमी क्यों होती है, क्योंकि हम संतुलित आहार नहीं देते हैं। अगर हम ऐसा संतुलित आहार घर पे बनाए, हम कई बार बने बनाए फीड पे विश्वास कर लेते हैं और देते रहते हैं, अब मान लीजिए उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्राएं कम डाली हुई है, तो आपको क्या पता, कुछ पता नहीं है, बाहर कुछ लिखा है, अंदर क्या लिखा है, हम कौन जांच करवाने बैठा है, हमें पता रहता नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट यानी अनाज, अनाज से मिलता है ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, पशुओं में कितने प्रकार के कार्बोहाइड्रेट चाहिए, और वो कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ में कितना कितना मिलेगा। अगर वो वीडियो नहीं देखा है आपने तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, मैं नीचे डाल दूंगा। तो मेनली आहार में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, उसकी वजह से ये बीमारी होती है। यानी हम संतुलित आहार प्रॉपर नहीं दे पाते हैं। कई बार हम संतुलित आहार का नाम भी कर देते हैं लेकिन उसमें गुणवत्ता नहीं रहती। यानी कम गुणवत्ता का आहार अगर दिया जाए तब भी कीटोसिस बीमारी हो जाती है। अब इस कीटोसिस बीमारी में कौन कौन से लक्षण, ये कोई छोटी बीमारी नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी है, इसलिए इनके लक्षणों को लेकर के हमने अलग अलग वीडियो बनाए हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आज नहीं तो कल मिल जाएंगे, आप ज़रूर देखना। तो कीटोसिस बीमारी का विवरण मैंने आज इस वीडियो में बताया है, और इसके लक्षण, और लक्षणों में भी कई प्रकार के जो लक्षण आते हैं उन्हें हम कैसे पहचानेंगे, तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, कल या परसों आपको मिल जाएगा।